नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की तर्रार खबरें। मैं हूं ज्योति राघव और पेश इस वक्त की बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना। कहा, राहुल गांधी हमेशा राजनीति में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नफरत नहीं है, फिर भी बीजेपी नेता हिंसा की बात कर रहे हैं। गहलोत ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है। इस देश में क्या हो रहा है, चिंता लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुप्पी धारण की हो गई। नेता प्रतिपक्ष पर जिस प्रकार के टिप्पणी आ रही है, कोई नेता कह रहा बीजेपी का इनका हर्ष हुए होगा, कोई दादी का हुआ, कोई कह रहा कि ये आतंकवादी नंबर वन है, कोई कह रहा कि जीप काट दो, फिर भी ना बीजेपी का अध्यक्ष, ना प्राइम मिनिस्टर, ना गृह मंत्री को पूरा देश देख रहा है। दुर्भाग्य देश का कि ऐसे लोग आए सत्ता में जो देश में क्या जज्बा है एक तरफ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि मेरा कोई से कोई नफरत नहीं है, और दूसरी तरफ जो नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं, तब भी ये बीजेपी नेता मौन धारण किए हुए हैं, ये क्या इंगित करता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और AICC के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों के लिए विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों के साथ वॉर रूम पर बैठक की। बैठक में फीडबैक लिया गया और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही भाजपा के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए डोटासरा ने 19 सितंबर को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जयपुर में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा। संगठन का हम विस्तार भी कर रहे हैं और संगठन के लोग जाकर के ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल के ऊपर जो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है, हर मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही, उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को। जयपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में शहीद स्मारक सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान डोटासरा ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी से भयभीत है और इसी कारण उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की जा रही है। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं, इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। उन्होंने की और पूरे देश के अंदर एक भाईचारे का संकेत दिया और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सबको लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीज़ों से डरी हुई है, इसलिए वो राहुल गांधी जी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। डिंपल मीणा हत्याकांड मामले में अजमेरी गेट स्थित यादगार भवन में डिंपल मीणा संघर्ष समिति की पुलिस प्रशासन और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ एक बैठक आयोजित की गई। डिंपल मीणा के परिजन लगभग 2 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं।
बैठक में लंबी चर्चा के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रथम दृष्टया पुलिस की जान से वह संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि मृतक डिंपल मीणा के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, लेकिन उसे जहर दिए जाने की बात सामने आई है। टोन थाना अंतर्गत एक डिंपल नाम की गूंगी बहरी लड़की जिसकी मौत हो गई थी, टोडा भीम के साथ पूरा गाँव की रहने वाली थी और इस पर संशय बना हुआ था कि इसको किसी ने मारा है, तो उसकी गहराई से पुलिस ने तफ्तीश की और कुछ आंदोलनकारी सड़क पर उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, या शहीद स्मारक पर भी धरना दिया था, तो मेरे पास ही आए थे, तो मैंने कहा था कि जो जांच अधिकारी है उनके साथ बैठ के आप प्रमाण देख लें, ज़बरदस्ती पुलिस ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो आपके मन वांछित नहीं है। आज पुलिस ने सारा शुरू से अंत तक का जो घटना है वो बता दिया है, जिसमें लड़की को जहर दिया गया है और उसके साथ किसी प्रकार का रेप नहीं हुआ, ना ही गैंग रेप हुआ, और जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है बिल्कुल उचित है, सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत प्रदेश मीडिया विभाग ने शिप्रा पथ स्थित मोक्ष धाम में वृक्षारोपण और श्रम दान किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने किया। प्रमोद वशिष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत ही हमने ये कार्यक्रम रखा है। मोदी जी का जन्मदिन था परसों 17 तारीख को, उसके तहत पार्टी ने जो 15 दिन का कार्यक्रम रखा है पखवाड़े का, उसके तहत हमने ये कार्यक्रम रखा है। वैसे हम प्रतिवर्ष रखते हैं यहाँ पे कार्यक्रम, लेकिन अब की बार हमने विशेष रूप से इस सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यक्रम वृक्षारोपण का यहाँ रखा है और श्रमदान भी अभी किया है हम लोगों ने, अभी और करेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 86 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड के पूर्व अध्यक्ष गणेश मीणा की टीम ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र कुणाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड 86 के मंदिर में विधिवत भगवान शिव को जल अर्पण करने से हुई, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना की गई। जी के जन्मदिन का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत हमने तुलसी वितरण कार्यक्रम को सम्मिलित किया है। इसमें हमारा जो उद्देश्य है, हर घर तुलसी का पौधा पहुंचे और हर जो सनातनी के घर में तुलसी का पौधे का जो महत्व होता है वो सभी को पता है। जो आध्यात्मिक जो पाठ पूजा का महत्व तो है ही, उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक महत्व भी है, जैसा कि कोरोना में देखा तुलसी के पौधे का कैसे सभी लोगों ने, और आम रोज में भी लोग तुलसी के पौधे की पत्तियों को यूज़ में लेते हैं। इस तरीके से हमारा उद्देश्य है कि हर घर में तुलसी का पौधा हो, इसलिए हमने इसको एक उद्देश्य की तरह लिया है और इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और हर घर में तुलसी का पौधा पहुंचाएंगे। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा, जहां 2 साल की नीरू गुर्जर नामक बच्ची को 17 घंटे के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। बच्ची खेलते समय बुधवार शाम करीब 5 बजे जोधपुरिया गाँव के खेत में एक बोरवेल के निकट बने 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। नगर निगम ग्रेटर की टीमों ने सांगानेर थाना पुलिया के चोरडिया पेट्रोल पंप और सांगानेर स्टेडियम तक विद्युत पोल्स पर से अवैध एरियल केबल हटाने का अभियान चलाया। यह संयुक्त अभियान बुधवार रात 10 बजे से गुरुवार सुबह 5 बजे तक चला। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना और अवैध केबल की पुनरावृत्ति को रोकना था। अभियान के तहत प्रत्येक विद्युत पोल से 60 से अधिक अवैध एरियल केबल्स हटाई गई। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने गुरुवार को मालवीय नगर जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने अपने दौरे की शुरुआत जवाहर कला केंद्र के अभिमन्यु मार्ग से की और JLN मार्ग मालवीय नगर पुलिया के नीचे झालाना डूंगरी रोड महावीर कैंसर अस्पताल और कैलागिरी रोड सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त अर्शदीप बराड और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत राज्य भर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे आमजनों को फल वितरण किए। प्रवक्ता कटारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी भावों के कारण ही करोड़ों गरीबों को पक्की छत प्राप्त हुई है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।